ये एक ऐसी अजस्त्र धारा है जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है तो दूसरी ओर हिंद महासागर में समाहित होती है। अतीत में असीम लपटें उठी, विश्व की कितनी ही लहलहाती सभ्यताएं रेगिस्तान से वीरान हो गई, लेकिन भारत के अस्तित्व की ये सांस्कृतिक धारा आज भी अविरल है, अमर है। और मेरे जवानों, एक राष्ट्र कब अमर होता है? राष्ट्र तब अमर होता है जब उसकी संतानों को, उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है। राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके सैनिकों के शीश हिमालय के शीर्ष शिखरों की तरह उत्तंग होते हैं। एक राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके संतानों के बारे में कहा जा सके कि चलंतु गिरियः कामं युगांत पवनाहतः, कृच्छेरपि न चलत्येव धीराणाम निश्चलं मनः। यानी प्रलय काल के तूफानों से विशाल पर्वत भले ही क्यों न उखड़ जाए, लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अडिग, अटल और निश्चल होते हैं। इसलिए आपकी भुजाओं का सामर्थ्य हिमालय की दुरूह ऊंचाइयों को नापता है। आपका मनस्वी मन मरुस्थलों की मुश्किलों का सफलता से मुकाबला करता है। आपके असीम शौर्य के आगे अनंत आकाश और असीमित समंदर घुटने टेकते हैं।